नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाली है, इसका क्या प्रिडिक्शन आ रहा है, इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो मेट्रो सिटीज में किस प्रकार की आज देखी जा रही है, क्या ये फिल्म आज शनिवार को कुछ कमाल कर पाएगी, क्या अपनी इज्जत बचा पाएगी, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि सर्कस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन रहा है वो करीब करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, 7 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन पहले दिन रहा है, काफी कम रहा है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि फिल्म कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी की जो पिछली सभी फिल्में हैं उन्होंने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग अपने पहले दिन ली है। चाहे दोस्तों वो चेन्नई एक्सप्रेस हो, सिम्बा हो, सिंघम रिटर्न्स हो, गोलमाल अगेन हो, सभी फिल्मों की जो पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन रहा है वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है, कई फिल्मों का 30 करोड़ से ऊपर भी कलेक्शन रहा है। तो रोहित शेट्टी एक बहुत ही सफल डायरेक्टर माने जाते हैं, तो उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि ये फिल्म बहुत बड़ा कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों, चूंकि जैसा कि हमने एडवांस बुकिंग के दौरान देखा था कि पहले दिन की एडवांस बुकिंग की मात्र 2 करोड़ रुपए की फिल्म को प्राप्त हुई थी, इसी से पता चल रहा था कि फिल्म का कोई बज नहीं है, फिल्म का ट्रेलर पसंद किसी को आया नहीं था, ना टीजर पसंद आया था। और दोस्तों, पहले से ही इस फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा था कि एक अच्छी फिल्म नहीं है, एक कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद फिल्म अच्छी नहीं बन पाई है, ऐसा कुछ टीजर से एहसास हो रहा था। अंगूर एक क्लासिकल मूवी, कल्ट क्लासिकल मूवी जिसमें लाजवाब संजीव कुमार थे, क्या बेहतरीन उनकी अदाकारी थी, लीजेंडरी एक्टर थे। और दोस्तों, देवेंद्र वर्मा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी, क्या शानदार फिल्म थी, उसका ये रीमेक बनाई। लेकिन दोस्तों, ये एक अंगूर खट्टे निकलने वाली बात हो गई, क्योंकि रोहित शेट्टी फिल्म में बिल्कुल भी अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाए और एक बकवास टाइप की, घटिया टाइप की फिल्म ये बना डाली, जिसमें जबरदस्ती दर्शकों को हंसाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्शक हंसे ही नहीं, बल्कि दर्शकों को अफसोस हुआ कि उन्होंने ये फिल्म क्यों देखी, उनको ही करंट लग गया। फिल्म का गाना है करंट लगा रहे, तो ये करंट वास्तव में दर्शकों को लगा, जोर का झटका लगा, लेकिन यह करंट रोहित शेट्टी को भी लगने वाला है और रणवीर सिंह को भी। रणवीर सिंह की लगातार तीसरी फिल्म फ्लॉप होने वाली है और रोहित शेट्टी जो एक बहुत बड़े हिट डायरेक्टर माने जाते हैं, उनकी साख को भी यहाँ पे बट्टा लगने वाला है, क्योंकि दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग भी कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग अभी तक की जो रिपोर्ट है मेरे पास, उसके अनुसार करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग फिल्म को प्राप्त हुई है और बहुत ज्यादा बज आज भी फिल्म का नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले। कई क्रिटिक्स ने फिल्म को घटिया बताया, किसी ने आउटडेटेड बताया, किसी ने 2 घंटे 20 मिनट की टॉर्चर बताया गया है। तो दोस्तों, फिल्म क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई है, पब्लिक्स की तरफ से भी ऐसे ही रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता फिल्म ज्यादा कुछ आज भी कर पाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिवार है, रोहित शेट्टी की फिल्म है, तो डेफिनेटली आज फिल्म कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर करेगी। तो आज की पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग की मेट्रो सिटीज की कुछ डिटेलिंग जल्दी से देना चाहूंगा। दोस्तों, मुंबई में करीब 12% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 903 शोज है, 7 हाउसफुल है, 78 शोज यहाँ पे फास्ट फिलिंग आज। वही दिल्ली एनसीआर में 8% थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 831 शोज है यहाँ पे, 3 हाउसफुल है और 45 शोज फास्ट फिलिंग है। वही दोस्तों बात करें पुणे की, तो यहाँ पे 10% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 342 शोज में से दोस्तों एक भी हाउसफुल नहीं है, लेकिन 18 शो फास्ट फिलिंग है। वही दोस्तों बात करें बेंगलुरु की, यहाँ 12% की थिएटर ऑक्यूपेंसी अच्छी कही जा सकती है, 189 शोज है यहाँ पे, 5 शो हाउसफुल हो चुके हैं, 29 शोज फास्ट फिलिंग है। वही दोस्तों हैदराबाद की बात करें, यहाँ पे 16% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, काफी अच्छी कही जा सकती है, 200 शो है यहाँ पे, 14 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 73 शो फास्ट फिलिंग है, यहाँ सबसे अच्छी रिपोर्ट है। वही दोस्तों बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पे 8% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, 501 शो है यहाँ पे, 1 शो हाउसफुल और 34 शो फास्ट फिलिंग है। दोस्तों चेन्नई की बात करें तो 42% की थिएटर ऑक्यूपेंसी है, बहुत बेहतरीन ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे, 61 शोज में से 19 शोज हाउसफुल है और 22 शो फास्ट फिलिंग है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर इसका प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से आज फिल्म डेफिनेटली कल से अच्छा कलेक्शन करेगी, कल के मुकाबले में फिल्म में डेफिनेटली 20 से 25%, हो सकता है 40% का ग्रोथ भी देखने को मिले। तो 9 से 11 करोड़ का प्रेडिक्शन मिला है कि आज ये फिल्म करीब 9 से 11 करोड़ रुपए के बीच का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, आज की एक्चुअल रिपोर्ट कल के वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।